बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम वर्क एंड एनर्जी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। पावर से मुराद किसी भी बॉडी का वर्क जो किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर होगा उसको हम पावर का नाम देते हैं। यानी कोई बॉडी किसी ख़ास टाइम के अंदर कितना वर्क कर रही है, अगर हम उनकी रेशियो को फाइंड करें तो दैट इज़ कॉल्ड पावर। तो इसके लिए हम रेट ऑफ वर्क का वर्ड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि फिज़िक्स के अंदर रेट से मुराद विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। सो पावर इज़ इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। इसी तरह इंस्टेंटेनियस पावर से मुराद कोई से एक इंस्टेंट की पावर होगी जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान में देख रहे हों। यानी बॉडी जो है वो टाइम वन से टाइम टू तक पावर वर्क करे, लेकिन वो टाइम इतना शॉर्ट हो कि इन दोनों के दरमियान में जो टाइम इंटरवल है ये तकरीबन ज़ीरो हो। यानी हम कह सकते हैं 0.00001 सेकेंड के अंदर होने वाली पावर जो किसी ख़ास टाइम पर हो रही है, तो जब ये तकरीबन ज़ीरो होगा तो उसके लिए, यानी ये एग्जैक्ट तो ज़ीरो नहीं है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। तो जब भी हम फिज़िक्स के अंदर अप्रॉक्सीमेशन या मैथ के अंदर भी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, जब एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती और हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, दैट वेरिएबल इज़ कॉल्ड लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट को यूज़ करने का मकसद सिर्फ अप्रॉक्सीमेट करना है, इस वर्ड को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है जिसके लिए हम लिमिट यूज़ कर रहे हैं। सो यानी कि किसी इंस्टेंट पर होने वाला वर्क, लेकिन वो इंस्टेंट इतना शॉर्ट है कि वो तकरीबन ज़ीरो के इक्वल है, तो जब हम किसी एक ख़ास पॉइंट पर होने वाले वर्क और टाइम की रेशियो लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें किसी ख़ास डायरेक्शन के चेंज होने से हम डायरेक्शन के थ्रू इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते, क्योंकि वर्क और टाइम दोनों स्केलर हैं। जब हम दो स्केलर क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर स्केलर आता है। इसका यूनिट वाट है और ये इक्वल होता है जाउल पर सेकेंड के, क्योंकि वर्क का यूनिट जाउल है और टाइम का सेकंड। एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि 1 kWh किसके इक्वल होता है, इसको हम प्रूव करने के लिए यूँ लिख सकते हैं 1 kWh इज़ इक्वल टू 1 kW मल्टीप्लाई 1 आवर। हमें पता है कि 1 kW 1000 W के इक्वल होता है और 1 आवर 3600 seconds के इक्वल होता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 36 और आगे 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो ये 3.6 × 10^6 जाउल बन जाएगा, और 10^6 को हम हटा के मेगा लिख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ भी है। इसी तरह किलो वाट आवर से जाउल या जाउल से किलो वाट आवर्स भी एमसीक्यू या क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम उन दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट के मुताबिक दो, अगर हम फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो वो पावर के इक्वल होता है। हमें पता है कि पावर इक्वल है वर्क ओवर टाइम के, और वर्क डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इट मीन्स हम इनको यूँ भी लिख सकते हैं, बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, या यूँ लिख सकते हैं। और अगर हम इनको मज़ीद रीअरेंज करें तो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को अलहदा कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जो रेशियो है, वी नो दैट ये इक्वल होता है वेलोसिटी के, इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इस बेस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें हमें फोर्स और वेलोसिटी की वैल्यूज़ गिवन हो और हम उनको स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू इक्वल करें या पावर को फाइंड करें। ये एक एमसीक्यू है जिसमें एक आदमी की पावर, एक मास बताया हुआ है 70 kg, और पावर फाइंड करने का कहा गया है। जितनी हाइट वो मूव करता है 4.5 meters, और जितना टाइम है वो है 4 seconds। हमने पावर फाइंड करनी है। वी नो दैट पावर इक्वल होता है वर्क ओवर टाइम के, और वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। सो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, क्योंकि हम बॉडी को हाइट पर लेके जा रहे हैं। जब भी हम बॉडी को हाइट पर लेके जाते हैं तो वर्क इक्वल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के। या आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि वर्क इक्वल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स यहां पे वेट के इक्वल होती है, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे हाइट के इक्वल होता है।
वेट इक्वल होता है एम जी के और हाइट जो है ये वैसे आ जाएगी। सो इट मीन्स कि हम वर्क की जगह एम जी एच लिख सकते हैं और नीचे टाइम डिवाइड हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर का आंसर आ जाएगा 7700 वाट। थैंक यू सो मच, दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे यूज़फुल वीडियोज़ के बारे में पता लग सके। थैंक यू।